हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी इलेक्ट्रिकल ज्ञान। दोस्तों आप लोग आ जाइए लाइव में, मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा सीआईटीएस रिलेटेड मैं इम्पोर्टेंट एक कोर्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनका जो सेशन 18-19 का जो है नोटिस निकल चुका है। तो फ्रेंड्स लाइव आ जाइए, जितने भी कैंडिडेट हैं मैं आज आपको बताऊंगा सीआईटीएस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सीआईटीएस का फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ओके, जिस तरह गवर्नमेंट टीचर में बनने के लिए बीएड कोर्स अनिवार्य है या डीएलईडी, उसी तरह गवर्नमेंट आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको CITS अनिवार्य है, यानी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ओके, तो इसके लिए आपको मेनली रूप से जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी DGET के नाम से जानते हैं, पहले एम्प्लॉयमेंट भी था लेकिन उसको अलग कर दिया गया है, ओनली DGET है। तो वो आपका हर साल एवरी ईयर एक साल का आपको CITS कोर्स उपलब्ध कराती है, जो आपका लगभग 20 कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया में CITS कॉलेज। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो इनका फॉर्म जो होता है हर साल के आपका मार्च अप्रैल में निकल जाता है, तो इस बार भी इनका निकल चुका है और 20 अप्रैल से आपका अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 20 अप्रैल से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मेनली रूप से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका 75 क्वेश्चन आपका टेक्निकल क्वेश्चन आएगा और 25 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल आएगा, जिसमें से मैथ रीजनिंग आपका ये सब रहेगा। ओके, उसके हिसाब से अब जितने एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें से आपको जितने मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस के हिसाब से आपको आईटीआई में, यानी कि NSTI, पहले इनका नाम था ATI एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसके बाद इनको नाम चेंज करके कर दिया गया है NSTI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके फ्रेंड्स, तो NSTI कर दिया गया है। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितना मार्क स्कोर करिएगा उसी के हिसाब से आपको कॉलेज प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में 20 गवर्नमेंट कॉलेज है और लगभग 14 से 15 आपका प्राइवेट कॉलेज है। ओके, तो जिस हिसाब से आपका नंबर आएगा उसी हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। ओके, अब मैं बता देता हूँ कि आपका इम्पोर्टेंट कॉलेज आता ATI हैदराबाद, ATI चेन्नई, बेंगलोर, इन जगहों पे आपका कोलकाता में पढ़ाई नहीं होता है फ्रेंड्स, होता है लेकिन कम होता है। इसके साथ साथ आपको स्किल भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्या सर SC/BT वाले CITS का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? सूरज कुमार जी, जो SC/BT है यानी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो से मान्यता प्राप्त है, वो आपको मेनली कोर्स में आपको पहले था 2 सेमेस्टर में होती थी 6-6 महीने पे, लेकिन अभी DGT जो MSG मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है आपका मात्र 1 साल में आपका एक एग्जाम। तो अब इसमें आपको मेनली रूप से थ्योरी प्रैक्टिकल पढ़ना तो पड़ेगा ही, साथ में साथ आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका पढ़ना पड़ता है 1 सेमेस्टर में यानी 6 महीने के लिए, लेकिन अभी 1 साल में आपका एक एग्ज़ाम होगा। ओके, तो इसमें आपको एक न्यू चीज़ पढ़ना पड़ता है POT प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और कोई भी सब्जेक्ट के लिए नहीं रहता है। तो इनका फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, 20 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी ऑल ओवर इंडिया में DGET का रूल है कि 2022 तक आपका 90% जो CITS होल्डर ही टीचर बन पाएंगे गवर्नमेंट ITI में। तो आपके लिए ये चीज़ बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ रिप्लाई करिए, मैं आपके सवाल को जवाब दूंगा। और मैं बता दूं वहाँ पे आपके हॉस्टल की फैसिलिटी उपलब्ध रहती है और बेटर अपॉर्चुनिटी रहती है करने के लिए कोर्स। आपको कैंपस सिलेक्शन भी होता है, आपको मुंबई में होगी, आपको मुंबई में भी अच्छा इक्विपमेंट है प्रैक्टिकल करने के लिए, हैदराबाद में भी है, आपको बेंगलुरु में भी है, जोधपुर में भी है, बेटर अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, क्योंकि बार बार मौका नहीं आती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा और
इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में, लास्ट सेमेस्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अधेश कुमार जी, लास्ट सेमेस्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं आपको, लेकिन जब तक उसका रिजल्ट आएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तब तक आपको आईटीआई पास रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है। ओके फ्रेंड्स, पहले था छः सेमेस्टर का तो ठीक था, लेकिन बट अभी क्या कर दिया, एक ही बार एग्ज़ाम लेता है तो बच्चे को माइंडली प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पर आपको वर्क बहुत सारा करना पड़ता है। बहुत सारा आपको जो पीओटी आता है उसमें लेसन प्लान, डेमोस्ट्रेशन प्लान आपको करना पड़ता है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा न्यू इम्पोर्टेंट न्यू चैप्टर देखने को मिलता है, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी हर जगह बढ़ चुका है सीट। जो भी एनएसटीआई कॉलेज थे, पहले तो एटीआई कॉलेज था, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अब कर दिया गया है सीआईटीएस, सॉरी एनएसटीआई, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बहुत सारे जगहों पर इन्हें सीटीआई के नाम से जाना जाता है, और बहुत सारे जगहों पर सीआईटीएस के भी नाम से जाना जाता है, तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।